तो अगर आपके दिमाग में अभी भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, बी फार्म के बाद हमें क्या करना चाहिए, एम फार्म करना चाहिए मुझे कि नहीं करना चाहिए, एम फार्म अगर गवर्नमेंट से जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, देन कौन से कम फीस वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वहां अप्लाई करूं, या फिर मैं एमबीए की तैयारी करूं, और ये सब हायर डिग्री में जाना भी है कि नहीं जाना, कि सीधे मैं गैप लेकर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करूं, अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। एंड एक बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि मैम कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं करियर रिलेटेड जो प्लीज आप डिस्कस कर लीजिए, तो आई थॉट व्हाट बेटर देन अ Q&A राउंड। तो एक Q&A सेशन है ये मेरा, इसमें मैंने वो क्वेश्चंस पिक करे हैं जो आप लोगों ने पोस्ट करे हैं, जो एक्चुअली इंडियन स्टूडेंट्स फार्मेसी के फेस करते हैं कुछ प्रॉब्लम अगर रिलेटेड टू देयर करियर, तो वो मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक करे हैं। सारे तो यहाँ पे नहीं डिस्कस कर पाएंगे, हाँ पर देन कुछ मैंने यहाँ स्क्रीन पे नोट कर लिए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं, जैसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे कि क्या हमें बीफार्म करियर लेना चाहिए जो 12th पास के बाद स्टूडेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि मैम बीफार्म के बाद एमफार्म करना जरूरी है कि नहीं, मतलब या फिर मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं, कि घर के जो लोग हैं जो पेरेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही एक जॉब होती है जो डिफाइंड होती है, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जहां पे आपकी अच्छी सैलरी है एंड अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो इस तरह के जॉब ऑप्शंस हम डिस्कस करते हैं अभी। एंड देन इसके बाद करियर कितना है, सैलरी कितनी मिल जाती है हमारी, कितना हाइक मिलेगा, कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं, कब वैकेंसीज आती हैं, एंड देन हमारा उसमें प्रमोशन के चांसेस कितने हैं, कैसा वर्क स्पेस होगा, कैसी, ऐसा तो नहीं कि लोग बहुत ज्यादा बोल देते हैं कि नहीं फार्मा करने के बाद क्या होता है ना, आपको बहुत ज्यादा फील्ड वर्क ही रहेगा, या सिर्फ MRE बन जाओगे, या सिर्फ इंडस्ट्री में ही जॉब करनी पड़ेगी। देन अगेन मैं ये नहीं डिफाइन कर रही हूँ, किसी किसी का वो पैशन और इंटरेस्ट होता है और बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है उसमें, पर हाँ ये भी बात नहीं है कि सबको या तो MRE करना पड़ेगा या सबको इंडस्ट्री में ही जाना पड़ेगा। तो आपको ना अपना इंटरेस्ट चूज करना है, तो पहले तो उन चीजों से बाहर निकलना है, उन क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगी जो एक बहुत कॉमन मिथ्स है फार्मेसी के, कि नहीं अगर फार्मा कर लिया है तो या तो MR बनोगे या इंडस्ट्री में जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं बहुत समय से अपने स्टूडेंट्स को ये बातें बताती भी आई हूँ जो थ्रू आउट माई करियर मेरे साथ जुड़े रहे थे, लाइक जिनको मैंने पढ़ाया है कॉलेजेस में। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आप लोग भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ गए हैं सब लोग साथ के साथ, तो मैं मान के चल रही हूँ ऐसा मेरा बैच है जिनको मैं गाइड कर रही हूँ करियर ऑप्शंस के लिए। एंड देन हाँ, राइट एडवाइस आपको चूज करनी है। कुछ लोग लिख देते हैं कि मैम विच विल बी द बेस्ट जॉब ऑप्शन फॉर मी, तो देखो हर किसी का सिनेरियो अलग होता है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे चाहिए एक ऐसी जॉब जो मैं सिर्फ ऑफिस में बैठ के आराम से कर सकूं और मुझे बहुत मेहनत ना करनी पड़े, थोड़ी देर में भी ग्रोथ होगी तो चलेगा, वो एक अलग किसी का इंटरेस्ट हो सकता है। किसी को चाहिए जॉब अपनी सिटी में, किसी को चाहिए जॉब कि नहीं मुझे फील्ड वर्क करना है, वहां जाके अपने आप को प्रूफ करना है, एंड देन बहुत अच्छा राइज मिलेगा, मुझे पता है, मुझे सारे इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट समझ में आ जाएंगे, मुझे कोर इंडस्ट्री में जाके जॉब करना है। तो आपको अपना पैशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी घर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके फाइनेंशियल नीड्स क्या है, कि आप अभी पढ़ाई कर सकते हो, आपको पढ़ाई करना पसंद भी है कि नहीं, सिर्फ सब जीपैट कर रहे हैं तो उस रेस में मैं भी दौड़ रहा हूं, मैं भी जीपैट करने चल दिया हूं, तो ये चीजें नहीं करनी है, पहले क्लियर हो जाओ माइंड में। तो जो लोग भी ऐसे लिख देते हैं ना कि मैम मेरे लिए करियर बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, तो देखो हर चीज केस स्पेसिफिक होती है, जो सब कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है, आपको वो करना है जो आपके लिए बेस्ट है, राइट। तो चलो बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, अगर ऐसे लंबा हो जाएगा राउंड नहीं तो मैं क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करती हूँ जो आप लोगों ने भेजे हैं मुझे। तो एक क्वेश्चन लेती हूँ, फर्स्ट है व्हाट आर द बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्म इन इंडिया। तो इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लास का हर बच्चा या तो बी फार्म के बाद जीपैट की तैयारी कर रहा होता है, तो आपको लगता है अब मेरा जरूरी नहीं, हो सकता है आप टॉपर भी हो अपने क्लास के और आप आगे रिसर्च में नहीं जाना चाहते हो, तो ये बहुत बड़ा मिथ है और एक ऐसा एनवायरमेंट सा बना हुआ है कि हर जना बी फार्म के बाद एम फार्म ही कर रहा है, कि फार्मेसी में तो 90% लोग एम फार्म ही करते हैं, तो पहले तो ये चीज हटाओ। दूसरा ये भी गलत है जो लोग कहते हैं कि बी फार्म एक वेस्ट डिग्री है, कि बी फार्म करना ही नहीं चाहिए, नहीं मैं उसकी फैकल्टी हूँ इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ, बी फार्म एक बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज, और आपको अगर पता हो तो ये एक टेक्निकल डिग्री है, हमारी टेक्नोलॉजी के जितने एस्पेक्ट हैं, जितनी हमारी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, इट्स जस्ट दैट कि हमें पता नहीं है तो हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि बी फार्म बेकार है। मैंने बहुत सारे भी वीडियोस देखे हैं, लोग ओपनली पोस्ट कर रहे हैं कि बी फार्म में करियर नहीं है, एम फार्म के बाद करियर बेकार है, नहीं प्लीज, कोई डिग्री खराब नहीं है, अगर आपको राइट गाइडेंस नहीं मिली, आपने राइट इंटर्नशिप्स नहीं करी है, आपने राइट चीजों में के पाथ पे नहीं चल रहे हो, देन प्रॉब्लम है। तो प्लीज किसी भी इस तरह के वीडियोस मिसलीडिंग होते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे देख रही हूँ कि लोग पोस्ट कर रहे हैं कि ये बेकार
डिग्री है तो प्लीज ऐसा नहीं है, आप अपने ओपिनियन के साथ चलिए। बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, तो ऐसे तो मैं किसी भी डिग्री को कह सकती हूँ कि हाँ बीएससी करके भी कोई जना बहुत अच्छी जॉब में बैठा है और कोई जना किसी को लाइफ में आगे पता ही नहीं है, करियर पाथ ही नहीं। इट्स जस्ट दैट हमें राइट गाइडेंस नहीं है और ऐसे ऑप्शंस कम है कि कोई ऑनेस्ट ओपिनियन दे। वो एक बहुत आसान तरीका लगता है कि हर कोई एमफार्म कर रहा है या फिर हर कोई जीपैट कर रहा है या हर कोई एमआर की तरफ जा रहा है, तो जो जल्दी जॉब मिल जाए मैं वो कर लूँ, नहीं। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग बीफार्म इन इंडिया। तो इसका आंसर है, पहला तो मैं बोलूंगी फार्माकोविजिलेंस। उसकी मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छा पे स्केल है, एंड ये मैं नहीं बोलूंगी कि जाते ही आपको सीधे 50,000 की जॉब लग जाएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी ग्रेजुअल पे स्केल बढ़ेगा और वैसा ही बीटेक स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। हम पहले जानेंगे, पहले हम ट्रेनिंग लेंगे एंड तब हमारा करियर ग्रोथ होगा। फिर उसके बाद आप कंपनीज भी स्विच करते हो, सेम कंपनीज में नहीं रहते हो हमेशा, राइट। तो फार्माकोविजिलेंस एक अच्छा ऑप्शन है जिसको चूज करना चाहिए, और उसकी तैयारी ना जैसे जीपैट की तैयारी करते तो क्लियर हो जाओ माइंड में, तो पहले से ही उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। देन उसके में मैंने वीडियोस ड्रॉप करें और अगर मुझे लगता है स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे तो मैं कोर्स भी लॉन्च करूंगी। सेकंड, क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च एक बहुत प्यारा फील्ड है। बीफार्म के बाद आपको एमफार्म करना पड़ सकता है या हो सकता है बीफार्म के बाद इमीडिएटली आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती है जहां बीफार्म के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं एंड यू हैव टू वर्क विद द डॉक्टर्स, आप वहां पे उनके साथ पे काम करोगे और क्लिनिकल रिसर्च में जैसे IQVI हो गया, साइनोस हेल्थ हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। फार्माकोविजिलेंस में भी एसेंचर हो गया, विप्रो हो गया, TCS हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, अभी तो मैंने कुछ कंपनीज कवर करी हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, वो मैंने पहले मल्टीनेशनल्स कवर करे थे, देन आगे भी मैं पोस्ट करती रहूंगी, तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ गवर्नमेंट जॉब्स हो गए आपके, जैसे CGHS हो गया, ESIC हो गया, तो ये अपना पैशन है। अगर आपको लगता है आपको सोसाइटी को सर्व करना है एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके अंदर एक जील है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जॉब ऑप्शंस नहीं है। और अगर तुम इस तरह बोलो ना कि मैम ये तो 10 साल में एक वैकेंसी आती है, 2 साल में रिजल्ट दिख ले, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो सिस्टम है वो बहुत सारी वैकेंसीज के लिए इसी तरह काम कर रहा है। सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसीज अलग से देर में आती हैं या अलग से देर ज्वाइनिंग होती है। कुछ लोग लिख रहे हैं बहुत काम था तो मैंने छोड़ दिया, तो ये तो आपका ह्यूमन नेचर है। आप मल्टीनेशनल कंपनी में भी जाओगे, काम मिलेगा, आप कहोगे मुझे नहीं करना है, तो ये ह्यूमन नेचर है। आप इसलिए किसी भी डिग्री को ब्लेम मत करो एंड प्लीज बहुत ट्रस्ट रखो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बी फार्म कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, PharmD कर रहे हैं। अपनी डिग्री में ट्रस्ट करिए, हमारी डिग्री बहुत अच्छी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत सारे जो हमारे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वहां पे हेल्थ केयर सेक्टर्स में हमारा फार्मेसी रिकग्नाइज्ड है। बहुत ये वीडियोस पोस्ट करना बंद करो, ये डिग्री बंद करो, इसका कोई मतलब नहीं है, दिस इज ऑल नॉनसेंस। रियलिटी चेक में आओ, बहुत जॉब्स हैं हमारे लोगों के पास, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, तो गाइडेंस की सही जरूरत है ना। मिसलीड मत होना कि सब रो रहे हैं तो हम भी रो रहे हैं कि डिग्री बेकार है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होने वाला है, Q&A का डिस्कस करेंगे तो पूरा एंड तक देखना। देन जिन लोगों को लगता है कि आगे उनको हायर डिग्री लेनी है, वो या तो एमफार्म में जा सकते हैं या फिर MBA भी कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में। अगेन कुछ लोग बीफार्म करने के बाद कहते हैं कोई स्कोप नहीं और अलग से जाके MBA करते हैं जो फार्मेसी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसा करना है, अगर आपको MBA ही करना है, तो मेरा सजेशन रहेगा फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से करिए जाके, राइट। देन हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज परसुइंग एमफार्म नेसेसरी फॉर अ गुड जॉब इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या मुझे एमफार्म करना जरूरी है, अगर मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, एक इंडस्ट्री में अच्छा ऑप्शन चाहिए। तो देखो, पहली बात, एमफार्म बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारी जगहों पे, इनफैक्ट मैं बोलूंगी 90% जगहों पे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री से काम हो जाता है, जैसा कि हमारे बीटेक के साथ होता है। देखो, पहली बात तो अपने आप को उतने इंपॉर्टेंस के साथ ट्रीट करना शुरू कर दो कि अरे हमने तो बीफार्म किया। नहीं, जितना बीटेक स्टूडेंट प्राइड लेता है ना इस चीज में कि मैंने तो बीटेक किया है, उतना ही आपको भी प्राइड होना चाहिए अपनी डिग्री में। पहली बात, अपने आप पे विश्वास करिए, इट इज ऑल अबाउट दैट कॉन्फिडेंस। एंड देन सेकंड, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि, बहुत लोगों ने मुझे लिखा कि मैम बिना सर्टिफिकेशन के रिजेक्ट, तो ऐसा नहीं है। बिना सर्टिफिकेशन के रिजेक्ट नहीं होते हो, बिना मास्टर्स के रिजेक्ट नहीं होते हो। आपने उतनी प्रिपरेशन नहीं करी तो आप सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करने जाते हो, ये ह्यूमन नेचर, हम ब्लेम करने लग जाते हैं। मेरे पास खुद के लाइव एग्जाम्पल्स हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं। There was one of my students, उसका नाम बता देती हूँ मैं, दिव्या। तो उसने ऐसा ही किया, वो अपनी क्लास की अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत ही सिंसियर थी। उसने जॉब अप्लाई करना शुरू करा इमीडिएटली आफ्टर बीफार्म एज अ फ्रेशर, उसको विप्रो में जॉब लग गया। एंड सिर्फ और सिर्फ आपका डेडिकेशन चाहिए। ऐसा नहीं होता कोई एक बार जाएगा और पहली बार में जॉब लग जाए। उसने भी 3-4 कंपनीज दिए, कई राउंड्स दिए, किसी ने कभी, बहुत लोग लिखते हैं मैम रिप्लाई नहीं आ रहा, तो ऐसा होता है। और सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये बीटेक स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। तो ये थोड़ा प्रोसेस है जो कहीं स्मूथ होता है, कहीं हमारा नहीं लग साथ देता है, कहीं हो सकता है हम पीछे रह जाते हैं, कुछ कमी रह जाती है। तो ये आपको
कि देखना रहेगा, है ना, ये बहुत सारी चीजें ट्राई करते रहने रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक जगह किया और हमारा सिलेक्शन हो गया, तो ये पार्ट है, प्रोसेस का पार्ट है, है ना। तो ये ऐसा नहीं, फार्मेसी को ब्लेम मत करो इसको लेकर। तो एमफार्म मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंडस्ट्री में, उनसे पूछो कि बी फार्म करने के बाद, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो आपको एमफार्म करवाएंगी, पर हाँ, पर कोई आप में इन्वेस्ट कर रहा है तो आपसे वो एक बॉन्ड भी साइन करवाते हैं कि आप 2 इयर्स 3 इयर्स हमारे लिए काम करेंगे, विच इज लॉजिकल। अगर कोई आपकी फीस पे कर रहा है तो ऐसा करेगा। तो ऐसी भी बहुत कंपनीज हैं जो आगे आपको ट्रेनिंग कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज एंड मास्टर्स की डिग्री भी करवाते हैं, अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे मास्टर्स करना है। तो ये आपका डिसीजन होगा कि आपको कब करना है, राइट अवे करना भी जरूरी नहीं है। बी फार्म किया आपने, बी फार्म के बाद आप जॉब कर सकते हैं अगर आपकी फाइनेंशियल नीड्स वैसी हैं, अगर आपको एक अच्छा जॉब ऑफर आ जाता है, एंड देन आप कुछ समय बाद एम फार्म कर सकते हैं, ठीक है। वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट, अपना फाइनेंशियल नीड्स आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पे मैं बता देती हूँ, नोवार्टिस हो गया, सन फार्म हो गया, फाइजर हो गया, तो ये सारी कंपनीज भी हो गई जो फार्मा मार्केटिंग रेगुलेटरी बॉडीज इन सब के लिए भी हायर करती हैं। तो रही बात जॉब्स की, तो जैसे मैंने बोला था फार्माकोविजिलेंस एक अच्छा ऑप्शन है, क्लिनिकल रिसर्च अच्छा ऑप्शन है, जो नहीं पता है वो मैं डिस्कस करूँ, जो सबको पता है कि हाँ हम जाके एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, वो सबको पता है। जो नहीं पता है कि हम रेगुलेटरी DRA वगैरह में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्लिनिकल रिसर्च में भी अच्छे ऑफर्स हैं, तो हमें वो भी चूज करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन अ फार्मेसी स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट जॉब। अच्छा देखो, एक काम मैं ये भी करूंगी कि एक लाइव Q&A भी कर लेंगे, अगर किसी को, जैसे मैंने बोला, किसी को अपना सिचुएशन बताना और फिर उसके हिसाब से हेल्प चाहिए करियर गाइडेंस में, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उसमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, इस तरह के और वीडियोस ले आऊंगी। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस डिटेल्स के साथ, आप मुझे इसमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं बताना चाहते, तो आप मेरी ईमेल आईडी यहाँ मेंशन है, उसमें आप पूरा अपना बता दीजिए कि मैम सो एंड सो इज माय सिनेरियो, तो मैं आपका नाम हाइड करके वो केस डिस्कस कर सकती हूँ, अगर आपको लगता है जेन्युइन एडवाइस मिले। हाँ, उसको पब्लिकली बताना इसलिए जरूरी है कि आपके जैसा और भी कोई बच्चा होगा तो उसको भी हेल्प मिलेगी, राइट। तो हाउ कैन अ फार्मेसी स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर अ गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट जॉब। तो गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट जॉब की अगर आपको तैयारी करनी है, मैं इतना मान के चलती हूँ कि जिस तरह से आजकल हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, चाहे वो गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट का हो, या अगर हम फार्माकोविजिलेंस की तैयारी कर रहे हो, या अभी रिसेंटली मैंने एक स्कॉलरशिप का वीडियो पोस्ट करा था रिलायंस की स्कॉलरशिप का, ऐसे बहुत सारे। तो अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी जगहों पे ना एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि वो लोग पूछते हैं एप्टीट्यूड स्किल्स, आपकी आपकी बेसिक जनरल नॉलेज। तो अगर इस तरह के आपको, अगर आप ये एप्टीट्यूड की तैयारी बेसिक करोगे ना, तो आगे जॉब में अप्लाई करो, या आगे चल के आप किसी कंपनी में अप्लाई करो, या आप गवर्नमेंट फार्मेसिस्ट की तैयारी करते हो, तो वो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन तो आपका क्लियर शॉट तैयार ही हो जाएगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि एप्टीट्यूड आपकी जनरल एबिलिटीज चेक करता है, वर्बल एबिलिटीज, रीजनिंग, लॉजिकल, ये सारे क्वेश्चन क्लास 8th लेवल के होते हैं, उससे ऊपर की मैथ्स नहीं होती। क्योंकि मैं मानती हूँ फार्मेसी के स्टूडेंट हमने बायो लिया था, और अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया था 10th में, ठीक है। तो 10th के बाद हमने मैथ्स नहीं पढ़ी है, मैं मान के चलती हूँ, आई एम वन ऑफ देम, 10th तक ही मैंने मैथ्स लिया था, उसके बाद मेरा बायो था। तो हमें क्या करना है, क्लास 8 लेवल की मैथ, बेसिक RS अग्रवाल की जो बुक होती है उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। प्रॉब्लम यह कि हम उसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि ये हमारा पार्टी नहीं है, हमसे मैथ्स कैसे पूछ ली, हमसे मैथ्स के क्वेश्चन कैसे पूछ ली, ये तो हमारी फील्ड का पार्टी नहीं है, अरे इसमें तो बीटेक वाले सुपरसीड कर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपके जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस, आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको फार्मासिस्ट एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, है ना। किसी MNC में जाओगे फार्माकोविजिलेंस के लिए, उसमें भी मैं बताती हूँ एक सेक्शन आता है, तो इनकी तैयारी करो। सेकंड, मुझे लगता है कि जितने भी लोग बी फार्म, जितने भी लोग फार्मासिस्ट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो ना, अगर GPAT में जो क्वेश्चन आते हैं उस लेवल की तैयारी करोगे ना, तो जहां पे डिप्लोमा के स्टूडेंट सपोज एलिजिबल नहीं है, सिर्फ बीफार्म एलिजिबल है ना, तो वहां पे थोड़ा सा और पेपर हमारा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो आप हर एग्जाम के लिए रेडी हो, मेरी मतलब मान के चलो। और जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत अच्छे से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल का रेडी तैयारी करके रखिए, आपके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जो नहीं भी आती हैं प्लीज मान के चलो, हाँ वॉइस रेज करना बहुत जरूरी है, पर सरेंडर मत करो। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है या ये कोर्स बंद करो, ऐसी बातें मत करो। डिप्लोमा की भी बहुत वैल्यू है, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज। अभी रिसेंटली टाटा में का भी मैंने एक पोस्ट किया था, तो बहुत सारी जगहों में ना उनको एक्सपीरियंस चाहिए, तो गो वर्क फॉर इंटर्नशिप्स। आप आइडेंटिफाई करो अपने बी फार्म के दौरान, अपने डिप्लोमा के दौरान, अपने एम फार्म के दौरान कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आपको लगता है आपको हॉस्पिटल में जाके काम करना है, आपको फार्मासिस्ट बनना है जाके, तो आप प्लीज उसी तरह के इंटर्नशिप्स करिए। मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं बता रही हूँ कि जो फार्माकोविजिलेंस में जाना चाहता है वो भी जाके फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग लेकर इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। नहीं, आप सॉफ्टवेयर सीखिए ना, आप अपना आइडेंटिफाई करो कि आपका एम क्या है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, राइट।
तो ये Q&A बहुत बड़ा होता जा रहा है, मैं सिर्फ 5 क्वेश्चंस कवर करती हूँ अभी, बाकी 5 नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट इन डिमांड फार्मेसी जॉब्स इन इंडिया राइट नाउ। तो इन डिमांड में क्लिनिकल रिसर्च है, आज भी अभी भी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि बीमारियां कम हो नहीं रही हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं, और हर बार एक नया फॉर्मुलेशन आता है, तो क्लिनिकल रिसर्च कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च कभी बंद नहीं होगा तो फार्माकोविजिलेंस भी कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि फार्माकोविजिलेंस क्या कर रहा है, जो मेडिसिन आपकी लॉन्च हो गई है मार्केट में, उनको उनके एडवर्स रिएक्शंस को स्टडी कर रहा है, हम उनको स्टडी कर रहे हैं कि क्या एडवर्स रिएक्शंस आ रहे हैं, उन्हें हम रिपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट कंपनीज अपने फॉर्मुलेशंस को इम्प्रूव कर सके, राइट। गवर्नमेंट जॉब्स का हमारे पास हमेशा ऑप्शन रहेगा, गवर्नमेंट जॉब्स आती रहेंगी, रेगुलेटरी बॉडीज में बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स आते हैं, पेटेंट एजेंट्स वगैरह करके बहुत सारे ऑप्शन है। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें से किसी भी एक करियर ऑप्शन पे मैं स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि लाइक इसका एग्जाम कैसे होता है, कौन सी कंपनी हायर करती है, कितना पैकेज होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, एमफार्म करना चाहिए कि नहीं, व्हाटएवर, तो आप अपना स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉप करिए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी स्टार्टिंग टू एंड, कैसे कैसे उसकी तैयारी करनी है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट आर द स्किल्स अ फार्मेसी स्टूडेंट मस्ट डेवलप टू एक्सेल इन द इंडस्ट्री। तो देखो, अगर तुम्हें फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट को इंडस्ट्री में एक्सेल करना है, तो मानो ये बात, अगर आप फार्मेसी से जुड़े हो तो मेडिसिन की नॉलेज होनी आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो फार्माकोलॉजी कितना भी नहीं पसंद हो, आना चाहिए, चाहे आप MR में जाओगे, चाहे आप कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हो। हाँ, वहां तो मैं मानती हूँ कि अगर आप इंडस्ट्री में फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो वहां मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, उसमें इतनी कॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जो मोस्ट एरियाज है हमारे, क्लिनिकल रिसर्च हो गया, मेडिकल राइटिंग हो गया हमारा, देन फार्माकोविजिलेंस हो गया, रेगुलेटरी अफेयर्स हो गया, इन सब में आपको बेसिक फार्माकोलॉजी की नॉलेज, अगर आप रेगुलेटरी में जा रहे हैं तो आपको रूल्स, लॉज, एथिक्स, ये सब आपके फार्मेसी के पता होने चाहिए। ऑल इन ऑल आपको गाइडलाइंस के बारे में जरूर जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सी हमारी रिसर्च गाइडलाइंस हैं, कौन सी हमारी फार्मेसी से रिलेटेड गाइडलाइंस इंडिया में जो रन करती हैं, वो आपको बेसिक पता होनी चाहिए, फिर चाहे आप PV कर रहे हो या कुछ भी। देन कम्युनिकेशन स्किल्स पर थोड़ा काम करना ही पड़ेगा, कहीं पे भी जाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं या हिंदी यूज कर रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, अपनी बात कह पाओगे तभी जॉब में ऑब्वियसली ऑप्शंस मिलेंगे। देन रेगुलेटरी गाइडलाइन, जैसे मैंने आपको बताया था, CDSCO, अगर आपकी कंपनी इंटरनेशनल उसमें डील कर रही तो USFDA, यूरोप में कर रही है तो यूरोप के गाइडलाइंस एंड व्हाटएवर। तो अभी थोड़ा सा लॉन्ग हो गया वीडियो, उसको मैं यहाँ कंप्लीट करती हूँ। तो अगर आपके दिमाग में अभी भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, बी फार्म के बाद हमें क्या करना चाहिए, एम फार्म करना चाहिए मुझे कि नहीं करना चाहिए, एम फार्म अगर गवर्नमेंट से GPAT क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, देन कौन से कम फीस वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वहां अप्लाई करूं, या फिर मैं MBA की तैयारी करूं, एंड ये सब हायर डिग्री में जाना भी है कि नहीं जाना, कि सीधे मैं गैप लेकर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करूं। अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, इस तरह के Q&A में और लेकर आऊंगी। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।